Assalamu alaikum, welcome back to my channel. Today I'm taking you to fruit picking farm in Glenorie, Sydney. आज जैसे कि दिन बहुत ही खूबसूरत है और हमने प्लानिंग किया कि फ्रूट पिकिंग फार्म पे जाना चाहिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए और तमाम जो मेरे साथ फैमिली गई थी उनके लिए. तो काफ़ी इसके लिए पहले हमने इंफॉर्मेशन लिया उससे कि क्या होता है, कैसे किस तरह फ्रूट फार्म में एंटर होते. तो बकौल उनके उन्होंने फैमिली पास हमें इशू किए, जो कि आई थिंक $12 पर पर्सन और किड्स अंडर 15 दे उनके लिए जो है कि स्पेशल कंसेशन होता है. तो हमने फ्रूट पिकिंग फॉर्म के लिए टिकट बाय किया और उसके साथ उन्होंने हमें वन बास्केट दिया विद नाइफ, ताकि जो हम फ्रूट पिक करेंगे तो वो उसके साथ काटा जा सके. ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, इन्होंने लश ग्रीन सब जगह रखे ये रखी हुई है. और ये देखें ये जो साहब है, ये फ्रूट पिकिंग जो है उनके ऑनर हैं और ये उसके बारे में काफ़ी इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं जो इनके यहाँ फ्रूट लगे हुए हैं. ये एक पाकिस्तानी ये एक फ्रूट है जिसको उर्दू में हम लोग बोलते हैं और ये टमाटर की तरह की शक्ल का होता है और बहुत ही मज़े का फ्रेश उसी वक्त तोड़ के इन्होंने दिया और उसके बारे में ये पूरे उसके करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं. और सबसे पहले ये सब लोगों को टेस्ट करवा रहे हैं. काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे और हर एक को ये थोड़ा थोड़ा देते जा रहे हैं कि आप पहले ये टेस्ट करें, उसके बाद आप जाके अपनी मर्ज़ी से फ्रूट पिक कीजिएगा. और ये फ्रूट जो हैं तकरीबन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो कौन सा मर्ज़ी फ्रूट पिक करना चाहें उस फ्रूट ट्री के पास जाएं, अपनी मर्ज़ी से उसको तोड़ें. और एक बास्केट है और एक नाइफ़ है, उसके ज़रिए आप नाइफ से उसको काटेंगे और बास्केट के अंदर आपको जितना भी चाहिए, कोई लिमिट नहीं है, जितना भी चाहते हैं आप लेना ले सकते हैं, उसके बारे में ये बताया. और सेकंड थिंग, जो आप फ्रूट खाएं या जो कोई है वो फ्रेश पे नहीं फेंकेंगे, उससे कीड़े मकोड़े और फ्लाइज का आने के ख़तरा होता है, जिससे वो फ्रूट रिमेनिंग फ्रूट जितने हैं वो ख़राब हो सकते हैं. तो ये इन साहब का फार्म है, ये कोई यहीं पे ये लोग बिजनेस करते हैं इस तरह के. सिर्फ ये एक फार्म नहीं है, ये मैं नेक्स्ट टाइम आपको ऑरेंज और एप्पल, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, मैंगो और बनाना और डिफरेंट किस्म के बहुत ज़्यादा फार्म हैं, लेकिन ये सिडनी के काफ़ी दूर के फासले पे होता है. लकीली ये हमारा बहुत दूर नहीं था, तकरीबन एक घंटे की ड्राइव था और उस पर यह फार्म था. और उनसे पहले ही रिजर्वेशन करवाना पड़ता है कि आपको बताना पड़ता है कि हम लोग इस टाइम पे आएंगे और हमें इतने टिकट होंगे, तो वो आपको पहले से नाम लिख लेते हैं और फिर जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वो आपको नाम सर्च करके सिस्टम में और आप उनको पे कर दें, साथ में वो आपको बैग देंगे, नाइफ देंगे और आप फ्रूट जो है अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं. ये देखें ये जा रहे हैं साहब, सारी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इधर के मुताबिक क्या क्या होता है और कितनी बड़ी ज़मीन है. ये एकर्स एकर्स में बना हुआ है फार्म और बहुत देखें ये सब लोगों ने अपने अपने बैग उठाए हुए और बैग के अंदर एक एक वो कटर टाइप का नाइफ है कि आप जब जाएंगे तो उस हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ्रूट तोड़ सकते हैं. ये एक बहुत ही नया एक्सपेरिमेंट था हमारे लिए और बहुत ही अच्छा लग रहा था. और काफ़ी एशियन पीपल यहाँ पे आए हुए हैं, वैसे हर किस्म के लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन मोस्टली एशियन पीपल आज नज़र आ रहे हैं. देखें ये पूरा फ्रूट ट्री उनसे भरा हुआ है और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से ये देखें सारे के सारे फ्रूट ही फ्रूट भरे पड़े हैं. और अच्छा, मज़े की बात ये है, फ्रूट जब आप फ्रेश तोड़ के खाएंगे
तो उसका मज़ा ही डिफरेंट होता है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्ट वाले फ्रूट थे कि ये हमें एक जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पे ये सब लोग, हम लोग सब लोग वहाँ से फ्रूट जो है पिक करेंगे। तो मैंने भी काफ़ी फ्रूट पिक किया और मैंने ज़्यादा नहीं ले सका क्योंकि वहाँ हमारी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ 4 पीपल हैं, 2 हस्बैंड वाइफ हैं और 2 टीनेज किड्स हैं जो कि इतना यूज़ नहीं होता इस तरह फल, लेकिन जिनकी बड़ी बड़ी फैमिली हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से फ्रेश फ्रूट लेके जाते हैं और बहुत ही अच्छे उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अब ये देखें, ये बता रहे हैं कि आपने इस तरह फ्रूट को पकड़ना है, ऐसे कटर से काटना है और एक मेथड के तहत करना है, ये एक प्लास की तरह का एक नाइफ है और उससे करना है। तो उसके बाद ये जब आप तोड़ लेंगे उसको, फिर आप वो बोल रहे हैं कि इसको आप जो है नाइफ से काट के और जितना जो हिसाब से खाना है वो आप खाइए और जो रिमेनिंग उसका वेस्ट है वो एक डब्बा है यहाँ पे रबिश बीन, उसमें आप डाल देंगे क्योंकि अगर आप फेंकेंगे तो वो एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं होता। और काफ़ी फ्रूट लगा हुआ है, काफ़ी लोग आते जाते हैं, टाइमिंग है 8 बजे से 4 बजे से पहले पहले जो लोग यहाँ आते हैं, और उसकी बुकिंग भी करानी पड़ती है क्योंकि ज़्यादा पीपल एक साथ अंदर नहीं आ सकते, उनकी इतनी जगह नहीं होती उनको हैंडल करने की। लेकिन बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, इस तरह के एक नया एक्सपेरिमेंट है। अब नेक्स्ट टाइम मैंने प्लानिंग किया है कि एप्पल के फ्रूट पिकिंग फॉर्म पे जाऊँ जो कि यहाँ से और तकरीबन 1-1.5 घंटा और आगे हिल्स की तरफ ड्राइव करके जाना पड़ेगा, जिससे आप जाके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ से एप्पल बाय कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं आपको दरख्त दिखाता हूँ, इस तरह के डब्बों में भी इन्होंने भर भर के रख दिए। अगर आप ख़ुद से नहीं पिक करना चाहते तो वो डब्बे के अंदर जितना भी फ्रूट है वो भी उसी वक्त का लीवा है, तो आप उसमें से भी लेके बाय कर सकते हैं। लेकिन मैंने प्रेफर किया मैं अपने ख़ुद से फ्रूट पिक करूं। और ये देखें, ये भी आए हैं ये इसको पिक करने के लिए, और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है कि एक हिसाब से इसको तोड़ना पड़ता है, काटना पड़ता है, और बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्ट में बहुत ही मीठे और बहुत अच्छा टेस्ट का ये फ्रूट है जो कि एक ख़ास सीज़न में यहाँ पे मिलते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। अभी देखें कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे लश ग्रीन है, सामने से मेन रोड जारी है, लोग आ जा रहे हैं, और इन्होंने अंदर कैफ़े भी बनाया हुआ है, एक कैफेटेरिया है, मतलब आप वहाँ बैठ के कॉफ़ी चाय और दूसरी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। और ये देखें, ये इस तरफ से बड़ी रोड जारी है और यहाँ इन्होंने नेट लगाया हुआ है, नेट का मतलब ये है कि वो उन्होंने इसको प्रोटेक्ट भी किया हुआ है काफ़ी बर्ड से, क्योंकि बर्ड जो होते हैं जो फ्रूट पके हुए होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं, तो इस तरह इन्होंने इसको प्रोटेक्शन की हुई है। और ये जो फ्रूट है इनमें इन्होंने सब स्प्रे वगैरह सब कर करा के इन्होंने इसको रखा है ताकि इसमें किसी किस्म का भी कोई इंसेक्ट ना हो सके फ्रूट में। और बाकी ये है कि लोग आते हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फ्रूट लेके जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे आप एक फ्रेश फ्रूट जो आप अपने हाथ से पिक कर रहे हैं ट्री से तो ले रहे हैं और एक शॉप से लेते हैं, तो इसके और शॉप के फ्रूट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक तो जो ट्री से आप तोड़ते हैं उसका टेस्ट बहुत ही फ्रेश होता है और खाने में भी अच्छा लगता है, और लेकिन जो आप शॉप से लेंगे वो मतलब वो काफ़ी दिनों के होए हुए होते हैं और मार्केट में आते आते भी उनको 3-4 दिन या 1 हफ्ते तक लग जाता है। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट था हम लोगों के लिए और
इसमें हमने बहुत इंजॉय किया, फ्रूट पिक भी किए वहाँ, फ्रूट टेस्ट भी किए, खाए भी, और वहाँ कोई मनादी नहीं होती है, आप फ्रूट तोड़ते जाएं, खाते जाएं, जितना भी लेना है आपको खा सकते हैं वहाँ पे। और लेकिन जब जाएं आप और आपको लेके जाना है तो वो फिर आपको बाय करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने भी वहाँ टेस्ट किए फ्रूट, और दूसरे लोग जो थे वो भी वहाँ पे खड़े होके फ्रूट टेस्ट कर रहे थे, जो कि बहुत ही मज़े का था। अगर आज का व्लॉग आपको मुझे पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो यू कैन गेट माई ऑल न्यू वीडियो। थैंक यू।